मापुसा में, अरम्बोल से मापुसा आने के लिए मुझे 30 रुपीज पे करना पड़ा, 30 रुपये, जो कि गोवा के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिकल है। 22 किलोमीटर दूर है यहाँ से अरम्बोल, 1 घंटे लग जाते हैं आने में। आज हम लोग जाएंगे बाघा कलंगूट और नॉर्थ साइड में जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाघा बीच पे। मापुसा से हमें लगभग आधा घंटा लग गया यहाँ आने में, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लेकिन ये भी अच्छा बीच है, अपने आप में ये भी अपनी स्पेशलिटी रखता है। किटोस लेन है जो सामने से, मैं अभी जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। और उधर एक हिल है, बाघा का ही हिल पता नहीं, शायद कुछ कहा जाता है उसको, मैं श्योर नहीं हूँ। और अच्छा बीच है ये भी,
और बाघा बीच से अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आगे आपको कलंगूट बीच पड़ेगा आगे लेफ्ट साइड में, और उससे आगे जाएंगे तो आपको कैंडोलिम बीच पड़ेगा, और उससे आगे अगोडा फोर्ट। तो इसके बाद हम लोग वहाँ कलंगूट बीच जाएंगे, कलंगूट के बाद कैंडोलिम, और कैंडोलिम के बाद अगोडा फोर्ट जाने वाले हैं हम लोग। ये वेव्स काफ़ी नीचे हैं, अभी हाई नहीं है, ठीक ठाक है। वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर इस बीच पे अवेलेबल है, काफ़ी सारी फैकल्टीज़ इन दो बीचों पे अवेलेबल है जो बाकी बीचेस पे नहीं होती है। वाटर स्पोर्ट्स हर बीच पे आपको अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आप बाघा आते हैं और कलंगूट आते हैं तो वाटर स्पोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। मैं आपको प्राइजेस दिखा देता हूँ जाके, यहाँ पर इनका एक काउंटर है जहाँ से आपको पैसे पे करके टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे बोट्स वगैरह, जेट स्की वगैरह रखे हुए हैं, और ये वाटर बाइक भी रखी हुई है। ये सारी चीज़ें इन्हीं की प्रॉपर्टी है, तो ये लोग रखता है ये सब चीज़। तो गाइस ये है, सामने लिखा हुआ है वाटर स्पोर्ट्स काउंटर, और ये है रेट्स यहाँ के, शायद इधर से मुड़ा हुआ है, सामने से सही से दिखेगा। पैरा सेलिंग के लिए 1100 विथ डिप, और पैरा सेलिंग विदाउट डिप के लिए 800 रुपीज़। जेट स्की के लिए 1% 500, बम्पर मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन 2% के लिए 600, पर पर्सन 300 रुपीज़। बनाना राइड है 4% का 1000, 250 रुपये पर पर्सन होता है शायद, 250 रुपये पर पर्सन बनाना राइड के लिए। और बोट राइड 7% के लिए 2000 रुपये जो कि 375 रुपये होते हैं। और डॉल्फिन राइड, डॉल्फिन ट्रिप है, पता नहीं डॉल्फिन ट्रिप अभी चलता है आपका, डॉल्फिन ट्रिप की चलता है अभी भी, कितने बजे चलता है, कितना तो डॉल्फिन दिखता है हर टाइम की, हर टाइम दिखता है या दिखा के लेके आएगा, आधा घंटा कट दिखेगा। तो डॉल्फिन ट्रिप के लिए आपको 3000 एन पड़ते हैं 8%, जो कि लगभग 375 ही होते हैं इसके भी। तो ये सारा हिसाब किताब, नाम है इनका सोंता वाडो टूरिस्ट बोट ऑनर्स एसोसिएशन नाम है। ये इनका काउंटर, ओनली कैश लेते हैं लोग, ऑनलाइन पेमेंट नहीं मिलता है, गूगल पे या फिर कार्ड आपका नहीं चलेगा। तो अगर वाटर स्पोर्ट्स करना है आपको यहाँ पे तो कैश लेके आना पड़ेगा। और साथ में बीच सेक्स है, बाकी बीचेस के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा बीच सेक्स मिल जाएंगे आपको। खाना खाने पीने का भी वही हिसाब है, जैसे हर बीच पे बीच साइड पे आपको महंगे खाने मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको वही सेम रेट पड़ेगा, महंगा पड़ेगा इधर। तो अगर आप बजट ट्रिप पे हैं तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप बीच से निकल के कहीं बाहर, अगर आप 300-400 मीटर बाहर निकल के जाते हैं बीच, तो आपको अच्छा बजट खाना मिल जाएगा, अच्छा खाना मिल जाएगा और सस्ता भी मिलेगा। बाकी ये है बीच का सभी साथ किताब। गाइस यहाँ पे मैं आधे घंटे रुकूंगा, उसके बाद मैं कलंगूट जाऊंगा, तो कलंगूट का मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है गाइस ये है बागा टिटोस लेन, जो कि गोवा में काफ़ी पॉपुलर क्लब है टिटोस। और यहाँ से इसका कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है, इस सारा राइट साइड में आपको जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है सब इसी का है।
रात में पार्टीज वगैरह चलता है। 30 दिसंबर को 31 को चालू है बार क्लब, सॉरी 31 को एक क्लब चालू है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है इनका बागा बीच के पास। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसी लेन को टीटोज लेन बोलते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। गई है टीटोज लेन, काफ़ी सारे बार्स वाइन शॉप्स भी हैं यहाँ पे, खाने पीने के लिए भी है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, हर तरह की दुकान मिल जाएगी यहाँ पे आपको। चूँकि काफ़ी पॉपुलर बीच है इसलिए सामान भी आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे यहाँ पे। गई है टीटोज लेन, अभी तो दिन का टाइम है, रात के टाइम यहाँ पे फुल ऑन पार्टी चलती है, सारे बार सारे क्लब फुल रहते हैं यहाँ पे और लाउड म्यूजिक बजता है। अभी तो दिन का टाइम है तो ऐसा है, रात का यहाँ पे सीन ही कुछ अलग होता है। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं कलंगूट की तरफ, जो कि बागा से मैक्सिमम 1 किलोमीटर पड़ता होगा, तो कलंगूट जाएंगे, वहाँ से कैंडोलिन जाना है। जा रहे हैं कलंगूट बीच की तरफ, ये आसपास कुछ शॉप्स रहती हैं हर बीच के पास। टैटू बना दो टेम्परेरी परमानेंट टैटू।
गाइस ये कलंगूट बीच जो कि पंजिम से 7-8 किलोमीटर दूर होगा और बागा से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी आपको वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है और बागा के मुकाबले मेरे को ये बीच कम क्राउडेड लग रहा है। क्राउडेड का मतलब क्राउडेड तो है लेकिन कमर्शियलाइज नहीं है उतना जितना बागा है। बागा में कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा हैं। बीच काफ़ी क्लीन है। अभी आगे जाके देखते हैं क्या है कैसे है। बागा और कलंगूट ऐसे दो बीच हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं। और क्राउडेड बीच जो होते हैं असली बीच का चांद बिगाड़ देते हैं। रात में भी ये प्लेस हैपनिंग रहता है, दिन में तो है ही। लगभग 24 घंटे यहाँ पे भीड़ रहती है। बहुत सारी बोट्स दिखाई दे रही हैं सामने क्योंकि यूजली आप अगर किसी और बीच पे जाएंगे बाघा और कलंगूट को छोड़ के तो इतने सारे बोट्स इतने सारे राइड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे कहीं पे। और बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है गाइस। मुझे लगता है बागा से भी ज़्यादा क्राउडेड है, बस कमर्शियलाइज नहीं है बाकी बहुत ज़्यादा क्राउड है। न्यू ईयर का टाइम है आज, 30 दिसंबर है और कल रात से पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। परसों नया साल आने वाला है, शायद इसीलिए इतना सारा क्राउड है गोवा में। बाकी मुझे लगता है कि अगर आपको बीच पे नहाना है तो आपको कलंगूट ज़्यादा बेटर पड़ेगा बजाय बागा के, क्योंकि ये काफ़ी स्टीप है। मतलब जब बीच स्टार्ट होता है तो वो काफ़ी ऊंचा रहता है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है लैंड, तो ये एकदम आइडियल होता है नहाने के लिए। बीच काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, बोट राइड्स होती है। उधर दूर सामने पैरासेलिंग भी हो रही है। और बस गाइस यही है सीन, यहाँ लोग इंजॉय कर रहे हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा है, दोबारा मैं कहूँगा, शायद आपको कैमरे पे ना दिख रहा हो लेकिन मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ, दूर दूर तक क्राउड नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कलंगूट को गोवा के वन ऑफ द फाइनेस्ट बीच के नाम से जाना जाता है। मुझे पता चला है कि ये बीच इतना फेमस क्यों है, क्योंकि इसका जो शेप है
वही कुछ इतना स्पेशल है कि ये इस बीच को स्पेशल बना देता है। ये था कलंगूट बीच, जो कि आपको डेफिनेटली एक बार विजिट करना चाहिए अगर आप सी में डिप लगाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको कलंगूट सबसे बेस्ट पड़ेगा। यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए, गोवा है एंजॉय करने के लिए ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अगोडा फोर्ट, तो वहाँ पे आपसे पहुँच के बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अगोडा फोर्ट, जो कि जो लास्ट बस स्टॉप था, जहाँ बस स्टॉप है यहाँ का अगोडा का, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है। काफ़ी देर से हम लोग पैदल चल रहे हैं, लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं पैदल चलते हुए, लेकिन अभी तक फोर्ट आया नहीं है। अभी हम लोग आ चुके हैं अगोडा फोर्ट, जो कि अगोडा बस स्टैंड से काफ़ी दूर है, लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो बहुत हाइक करना पड़ेगा, और हम लोग तो दिन भर से थके हुए थे, तो एक छोटी सी हिचहाइकिंग कर ली मैंने, एक भाई से लिफ्ट ले ली मैंने, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ। एंट्री फीस 25 रुपीज़ है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ यहाँ टिकट्स, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ टिकट्स 25 रुपीज़, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि हिस्टोरिकल साइट है और इसको मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। काफ़ी पुराना सा फोर्ट है और एक लाइट हाउस भी है यहाँ पे। ये फोर्ट के चारों तरफ ऐसे गहरा खाई खोदा गया है, और पता नहीं कहाँ से, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि इसमें पहले पानी भरा जाता था और इसमें क्रोकोडाइल छोड़े जाते थे, जो कि अगर कोई अटैकर आता था या अंदर से कोई भागने की कोशिश करता था कैदी, तो उन पे ये मगरमच्छ अटैक करते थे, और भागने के लिए या फिर अंदर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता था। अभी एंट्री करते हैं, उसके बाद आगे का दिखाते हैं। एंट्री हो गई है, शायद जेल भी है इसके अंदर अभी। पहले बेस देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो गाइस यही है यहाँ का जेल और बंकर, जो भी कह सकते हैं। नीचे काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि जेल है कि बंकर है, लेकिन जो भी है काफ़ी डीप है,
और इस फोर्ट को ऐसे बनाया गया ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे या कोई अटैक करने की कोशिश करे तो वो ना हो पाए। चारों तरफ से काफ़ी गहरा खोदा गया है और सामने की साइड में सी है, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो इस फोर्ट का उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा होगा। ये आगे एक लाइट हाउस है जो कि काफ़ी पुराना है, अभी वक्त में नहीं है, पहले वक्त करता था, अभी दूसरा इसकी जगह पे लाइट हाउस बनाया गया है। तो गाइस ये है अगोड़ा फोर्ट जिसे 1612 में पुर्तगीज ने बनाया था मेनली अपने एम्पायर को डिफेंस करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मराठा और डच यहाँ पे काफ़ी अटैक करते थे, तो बहुत क्रूशियल ये फोर्ट इन्होंने बनाया है, बहुत ही क्रूशियल फोर्ट इन्होंने बनाया था उस टाइम पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और यहाँ पे सिप्स भी रुकती थी पहले, बगल में ही सी है, अरेबियन सी है, इसीलिए सिप्स भी यहाँ पे रुकती थी जिससे उनका जो पुर्तगीज थे उनका सामान आता था यहाँ पे। और अगुआडा का मतलब होता है पुर्तगीज में पानी, यानी वाटर, तो पानी के नाम पे इसी कारण इसका नाम अगुआडा फोर्ट पड़ा था। और यहाँ पे एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज भी है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी दिखते हैं यहाँ से आपको गोवा के, अभी हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस ये है अगोड़ा फोर्ट से नीचे का व्यू जो कि अरेबियन सी दिखता है यहाँ पे। और यहाँ राइट साइड में ये नया वाला लाइट हाउस बना है, वहाँ आपको गोल गोल घूमता रडार दिख जाएगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप सी में नेविगेशन कर रहे हैं तो, नेविगेट कर रहे हैं तो। सो गाइस ये पुराना बैरक टाइप का लग रहा है और कुछ आर्किटेक्ट भी दिख रहा है यहाँ पे जो कि दर्शाता है कि पहले के लोग काम कर रहे हैं, तोपों को खींचा जा रहा है और सेना है पुर्तगीज लोग जो कि काफ़ी बड़ा बड़ा दाढ़ी है उनका, बियर्ड काफ़ी धांसू टाइप का है, ये यहाँ पे रखा है, काफ़ी अच्छा है, छोटा सा बैरक है और यहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन बना ऐसा है जैसे लगता है कि कोई जेल है क्योंकि इसके गेट ही कुछ ऐसे हैं। तो गाइस ये अगुआडा फोर्ट का ऊपर से व्यू अभी सुंदर दिखता है और इसे बनाया गया था 1612 में पुर्तगीज द्वारा। इसका इस किले को बनाने के पीछे मेन मकसद ये था कि अपने आप को मराठास और डच से प्रोटेक्ट किया गया, इसीलिए इस फोर्ट के चारों तरफ गहरी गहरी खाई बनाई गई है और माना जाता है पहले इसमें पानी भर दिया जाता था ताकि कोई बाहर से हमला करे तो प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिल पाए। और ये जो आप सामने रेड कलर का जो कैंपस देख रहे हैं ये अंडर वाटर स्टोरेज है जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि पुर्तगीज़ जब लंबे सफ़र के लिए निकलते थे तो समुंदर में फ्रेश वाटर के लिए की काफ़ी कमी होती थी, तो फ्रेश वाटर यहाँ से लेके जाते थे वो लोग जब उन्हें लंबी जर्नी पे जाना होता था। उस टाइम पे ये एशिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर का स्टोरेज था और इसमें लगभग 23 लाख गैलन पानी आ सकता है फ्रेश वाटर, और अभी भी ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज में से गिना जाता है। सामने एक पुराना लाइट हाउस है जो कि पहले चलता था लेकिन अभी बंद है, उसकी जगह पे एक नया लाइट हाउस बनाया गया इधर जो कि अभी वर्क करता है सामने। ओए Thank you.
Thank you.